मसाला वाली चाय पीने का हर किसी का मन करता है, तो ऐसे ही मसाले वाली कड़क चाय के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड चाय मसाला, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी चाय को बनाएगा। जैसे मार्केट में मसाले वाली चाय मिलती है, ऐसे ही घर पे हम मसाले वाली चाय बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। 5 मिनट में ये मसाला बनकर तैयार हो जाता है और सुरक्षित भी है और आपके लिए हेल्दी भी है, जो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस कड़क मसाले को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होममेड चाय मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, जो खाना खाने वाला चम्मच होता है उसी चम्मच से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो उसी चम्मच से मैं आपको बता रही हूँ, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ हरी वाली इलायची ली है। वजन से बताऊँ तो लगभग ये 7 से 8 ग्राम है। 2 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ सौंफ ली है, ये ग्राम से बताऊँ तो 7 से 8 ही है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ काली मिर्च ली है, वजन से लगभग 2 ग्राम है। और 7 से 8 मैंने यहाँ लौंग ली है। लौंग की क्वांटिटी मैंने कम रखी है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो हल्का सा कड़वापन आ जाएगा, तो लौंग मैंने 8 ही ली है। 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने, लगभग ये 1.5 इंची दालचीनी के टुकड़े हैं। 2 मैंने यहाँ बड़े वाली इलायची ली है, काले वाली इलायची। अगर आपके पास ये इलायची नहीं है तो आप हरे वाली इलायची की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। ये मैंने नटमेग यानी कि जायफल लिया है, ये लगभग आधे जायफल से थोड़ा कम ही है। और 10 से 12 मैंने यहाँ तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी के पत्ते बिल्कुल ऑप्शनल हैं, तुलसी के पत्ते डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। ये मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा लिए हैं। अब मैं यहाँ ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर मैं यहाँ ले रही हूँ। लगभग 4 बड़े चम्मच मैंने सौंठ पाउडर लिया है, इसको पीस लिया है। आपके पास सौंठ है साबुत वाली तो आप उसका पाउडर बना लीजिए, या पाउडर मिलता है मार्केट में वो ले लीजिए। साथ ही साथ मैं यहाँ 5 से 6 केसर के धागे ले रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चाय मसाला बनाने के लिए सारे मसाले मैंने ले लिए हैं, अब हम इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो मसाले को भूनने के लिए यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में हम सारे मसाले डाल देंगे। ड्राई जिंजर पाउडर जो सौंठ पाउडर है वो मैंने अलग निकाल लिया है, उसको बिल्कुल नहीं भूनना है। जो खड़े मसाले हैं इनको हम भून लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पर हम इन्हें 2 मिनट के लिए हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे जो भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। चाय मसाला हम ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमें मसालों का मॉइस्चर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए या तो आप 2 से 3 घंटे के लिए आप धूप में सुखा लीजिए इसे, या आप इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही रोस्ट कर लीजिए। देखिए, तुलसी के पत्ते मैंने धूप में भी सुखा लिए थे और हल्के से मैं इसको भून भी रही हूँ। तो ज़्यादा दिनों के लिए अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं तो इसको भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मॉइस्चर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ज़्यादा दिनों तक हम इसको स्टोर कर पाएंगे। देखिए, मैंने इनको भून लिया है, आप देख पा रहे होंगे इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं, बस 2 मिनट के लिए हमें भूनना है, इसे निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेंगे। देखिए, मसालों को मैंने ठंडा कर लिया है, अब जो सौंठ पाउडर है वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसे पीस लेंगे। देखिए, चाय मसाला मैंने पीस लिया है, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब हम इसे कंटेनर में डाल लेंगे। आप ऐसे चाय मसाला बना सकते हैं, होममेड चाय मसाला बना सकते हैं और घर में ही आप मसाले वाली चाय का मज़ा ले सकते हैं। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 5 से 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। कड़क चाय मसाला बनाया है तो कड़क हम चाय भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/2 कप यहाँ पानी लिया है, मैं 2 कप चाय बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है। पानी में उबाल आने देते हैं अच्छे से,
पानी में उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ एक छोटी चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। अगर आपको चाय पत्ती ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ एक छोटी चम्मच चाय पत्ती ली है। उबलने देंगे इसे अच्छे से। अब मैंने यहाँ दो छोटे चम्मच चीनी ली है। अगर आपको चीनी कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक चौथाई छोटी चम्मच चाय मसाला लिया है। दो कप चाय के लिए एक चौथाई छोटी चम्मच चाय मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम उबाल आने देंगे और एक कप मैंने यहाँ दूध लिया है तो वो डाल लेते हैं। देखिए चाय में अच्छे से उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद आप एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर और उबलने दीजिए चाय, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम कड़क चाय बनकर तैयार होगी। देखिए चाय मैंने छान ली है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी एकदम खुशबू आ रही है इसमें। तो आप भी चाय मसाला घर पर बना सकते हैं एकदम आसानी से। आप इसे 5 से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर में डालिए और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मसाला वाली चाय पीने का मन हो तो आप इसे निकालिए और मसाला वाली चाय इंजॉय कीजिए। ठंडी में मसाले वाली चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये हेल्दी भी है हमारे लिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आप भी इन सर्दियों में चाय मसाला बनाइए और मसाले वाली चाय को इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।